एक कॉमन क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा था कि टीबी का इलाज कितने दिन तक चलता है या टीबी की दवाई कितने दिन तक हमें खानी होती है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका मैं जवाब भी देना चाहूँगा, स्पेशली उन लोगों के लिए जो टीबी का इलाज चालू तो करते हैं लेकिन जैसे उनको आराम मिलता है 1-8 महीने बाद, 2 महीने बाद, कुछ लोगों को 15 दिन बाद ही आराम मिलने लगता है, वैसे ही दवाई छोड़ देते हैं अपने मन से। तो ये आपको जानना है कि टीबी का जो इलाज है मिनिमम है वो 6 महीने का है। 6 महीने से कम किसी भी तरह की किसी भी टीबी का इलाज नहीं होता। टीबी शरीर के अलग अलग हिस्सों में कई अलग अलग तरह की हो सकती हैं, जैसे कि फेफड़े की टीबी है, पेट की टीबी है, लिम्फ नोड की टीबी है, दिमाग की टीबी है, हड्डी की टीबी है, जॉइंट्स की टीबी है, स्पाइन की टीबी है, और इसके अलावा शरीर के दूसरे भी हिस्सों में हो सकती है। तो 6 महीने से कम तो किसी भी टीबी का इलाज नहीं होता और कुछ कुछ केसेस में ये इलाज और लंबा चलता जाता है और कुछ केसेस में 2 साल तक भी हो सकता है। तो अगर मैं अलग अलग शरीर के हिस्से की बात बताऊं, जैसे कि टीबी फेफड़े की है या लिम्फ नोड की है या पेट की टीबी है, इसमें 6 महीने इलाज चलता है। 2 महीना जो हमारा होता है वो इंटेंसिव फेज होता है, उसके अलावा फिर कंटिन्यूएशन फेज होता है 4 महीने का। तो 2 महीने 4 दवाइयाँ चलती हैं और बाकी का जो 4 महीना बचता है उसमें 3 दवाई चलती है। ये ऐसे केसेस में जिसमें टीबी का रेजिस्टेंस नहीं डेवलप हुआ है या ऐसे केसेस में जो जिनको पहली बार टीबी डायग्नोज हुई है, बट ऐसे केसेस में जिसमें रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है या तो उन्होंने पहले इलाज लिया फिर छोड़ दिया या टीबी का रिलैप्स हुआ है, टीबी दोबारा से हो गई है, ट्रीटमेंट फेलियर, इस केसेस में फिर ये शेड्यूल बदल जाता है। तो फेफड़े की टीबी में, पेट की टीबी में, लिम्फ नोड की टीबी 6 महीने इलाज चलता है। अगर किसी को हड्डी की टीबी हो गई है, स्पाइन की टीबी हो गई, उस केसेस में 1 साल तक इलाज चलता है, 12 महीने। अगर किसी को दिमाग की टीबी है तो उस केसेस में 9 महीने इलाज चलेगा, कुछ केसेस में 9 महीने से ज़्यादा भी चल सकता है। और अगर किसी को MDR हो गया, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो गई है, या ट्रीटमेंट फेलियर हो गया, जैसे कि जो मेन इसकी दवाई है रिफाम्पसिन या आइसोनियाजिड, इसका रेजिस्टेंस आ गया, उस केसेस में इलाज और लंबा चलता है, 18 महीने चलेगा। और कुछ एक टीबी होती है जो एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस होता है, मतलब बहुत सारी दवाइयों के लिए रेजिस्टेंट हो जाता है, उस केसेस में 2-2 साल इलाज चल सकता है, 3-3 साल चल सकता है। तो टीबी का कोई एक फिक्स ड्यूरेशन नहीं है, वो डिसाइड करा जाता है कि पेशेंट का क्या कंप्लायंस रेट है, शरीर में कहाँ पर टीबी हुई है, रेजिस्टेंस कितना है और उसका लक्षण कितना इम्प्रूव हुआ है। बहरहाल 6 महीने से कम किसी भी टीबी का इलाज नहीं चलता। और दवाइयाँ चूँकि आजकल तो सिर्फ ज़्यादातर सरकारी हॉस्पिटल में मिलती हैं, फ्री में मिलती हैं, पहले से ही फिक्स डोज कॉम्बिनेशन चल रहा है, डेली डोज वाला चल रहा है, डॉट्स के सुपरवाइज़र वगैरह भी डिसाइड रहते हैं, या ऐप के द्वारा भी आप बता सकते हो कि हमने खा लिया है। तो ये आपके क्वेश्चन का जवाब है। अगर कोई भी व्यक्ति सोच रहा है कि मैं 2 महीने खा के मेरा टीबी ठीक हो गया है, तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। अगर आपने 2 महीने खाने के बाद छोड़ दिया, 15 दिन खाने के बाद छोड़ दिया, 3 महीने खाने के बाद छोड़ दिया, तो टीबी दोबारा से होगी कुछ दिन बाद, लेकिन इस बार की जो टीबी होगी वो पुरानी वाली दवाइयों से फिर नहीं ठीक होगी। दवाइयाँ बढ़ जाएंगी और उसका समय भी बढ़ जाएगा, कुछ दवाइयाँ इंजेक्शन के रूप में भी देनी पड़ेंगी। तो ये बात बिल्कुल गांठ बांध लें टीबी के जितने भी पेशेंट्स हैं कि इलाज जितना डॉक्टर बताएंगे पूरा उतना लेना है, बीच में छोड़ना अपनी जान को जोखिम में डालना है, अपने घर वालों की, अपने बच्चों की, माता पिता की, सबकी जान को जोखिम में डालना है और बीमारी बिगड़ने के भी चांस उतने ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये आपके क्वेश्चन का जवाब है कि टीबी का इलाज कितने दिन तक हमें लेना है या कितने दिन तक चलता है।